आज एक मेरे दर्शक ने एक बड़ा ही मुश्किल सा सवाल पूछा है, जो कि आध्यात्मिकता से या मेडिटेशन या योगा से जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन टुडेज़ वर्ल्ड, हाउ टू ब्रॉट अप आवर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन लिव अ बेटर लाइफ। मैं कहूँगा कि ये बहुत आसान सवाल नहीं है, मुश्किल सवाल है, और इसका क्योंकि आसान सवाल नहीं है आसान जवाब भी नहीं है, लेकिन मैं इसको चार बिंदुओं पर केंद्रित करूँगा। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके अपने बच्चे के लिए कि अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, स्पेंड टाइम विद हिम और हर, उनके साथ समय बिताएं, बच्चे को समझें, उनके साथ खेलें और उनका ये देखें कि उनका इंक्लिनेशन किस तरफ को है। बच्चे एक रॉ ब्रेन है, वो एक हार्ड ड्राइव है और सॉफ्टवेयर आप देते हैं, यानी कि जो प्रोग्रामिंग है वो आप करते हैं उस हार्डवेयर में। तो बच्चे जो भी सीखता है वो अपने पेरेंट्स से शुरू में सीखता है, जो आप भाषा सिखाते हैं, जो भाषा शैली सिखाते हैं और हैबिट्स उसको देते हैं, जो आपका एटीट्यूड है और जो आपका वर्क स्टाइल है, उन सबको बच्चा देखता है और उसको कॉपी करने की कोशिश करता है या सीखता है। तो ये ज़रूरी है कि आप घर में एक डिसिप्लिन रखें। दूसरा है मेक देम क्यूरियस, क्यूजिटिव, डोंट से कि क्या आप बेकार का क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि बच्चा तो सीख रहा है ना। तो बच्चा जब सीखेगा, देखेगा, उसे कोई चीज़ नई चीज़ लगेगी तो उसको पूछने की कोशिश करेगा, वो जानने की कोशिश। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिएट राइट काइंड ऑफ एटमोसफियर, एम्बियंस ऑफ लव, जॉय, केयर एंड डिसिप्लिन। पेरेंट्स शुड नॉट फाइट और क्रिएट अनप्लीजेंट एटमोसफियर और अनप्लीजेंट आर्ग्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन और चाइल्ड। इफ देयर आर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियंस, दे कैन बी सॉर्टेड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द चाइल्ड। शो द चाइल्ड दैट यू आर हैविंग वेरी गुड, वेरी हारमोनियस रिलेशंस एंड यू आर द बेस्ट पेरेंट्स। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ये कहूँगा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गिव योर चाइल्ड द बेस्ट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज। एजुकेट अप्रोप्रिएटली, एजुकेट इन अ राइट वे। कोशिश ये करें कि आपके माँ बाप ने जो आपको एजुकेशन दी है उससे ज़्यादा ही आप अपने बच्चे को एजुकेट करें या उसके बराबर करें कम से कम। मेरा कहना है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपने बच्चे को कम से कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ज़रूर बनाएं, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई भी धन नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सर्व द्रव्येषु विद्यैव द्रव्य माहुर्नोत्तमम् आहारत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा। यानी कि एजुकेशन सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्तम धन है, इसको कोई न तो चुरा सकता है, न कोई इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, न ये आग में जलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसको बांटते हैं तो ये बढ़ता है। साथ ही इसको ले जाने के लिए कोई स्पेशल व्हीकल की जरूरत नहीं है, आप जहां भी जाएंगे ये आपके साथ होगा। एजुकेशन, नॉलेज, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनसेपरेबल है। अगर आप अपने बच्चे को ढेर सारी प्रॉपर्टी, ढेर सारा पैसा देके जाते हैं और उसको राइट एजुकेशन अगर आपने नहीं दी है तो मैं ये कहूँगा वो सारा व्यर्थ है। अच्छी एजुकेशन अगर आपने दी है
तो वो धन अर्जित कर लेगा, वो प्रॉपर्टी बना लेगा, वो अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें एकत्रित कर लेगा। लेकिन अगर आपने एजुकेशन नहीं दी है और धन आप इकट्ठा करके गए हैं तो वो सब व्यर्थ है। इन नटशेल मैं ये कहूँगा, चार इंपॉर्टेंट बिंदु। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड गिव द टाइम टू हिम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर द क्यूरियसिटी ऑफ योर चाइल्ड, मेक देम क्यूरियस एंड क्यूजिटिव सो दैट ही और शी कैन लर्न। थर्ड थिंग इज क्रिएट राइट काइंड ऑफ एटमोसफियर एंड एम्बियंस इन योर फैमिली। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेट देम टू बेस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज। मुझे लगता है कि आपको संतोषजनक आंसर मिल गया होगा। धन्यवाद।